जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। फिर से एक नए वीडियो में आए हैं और आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे हर दिन की भांति खुश होंगे। सबसे पहले मैं माइक को ठीक कर लूँ, चूँकि कल आवाज़ नहीं आ रहा था, अब ठीक है। चलिए, एक नए वीडियो के साथ आए हैं, चूँकि कमेंट में फिर से पूछा गया। वैसे मैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जो अभी बहाली आने वाली है, जो जिसकी अनुमानित है कि जुलाई के लास्ट वीक, नहीं तो अगस्त में तो आना ही है, फर्स्ट वीक में ये निश्चित है। और देखिए, आज से मानसून सत्र भी स्टार्ट हो गया है, बिहार विधानसभा का 4 से 5 दिन चलेगा, तो वो भी मानसून सत्र सुनिए क्या बोलता है, शिक्षा विभाग ने क्या बोला। तो ये तो संभावित है कि आना तय है, तो उसी पे जो एक वीडियो, एक टॉपिक था, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी को समझ में नहीं आ रहा था, वो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने सोचा फिर से एक बार मैं बना दूँ, ठीक है, शायद आप लोग को फ़ायदा हो जाए और समझ में भी आ जाए और दिक्कत भी नहीं हो। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कॉल नहीं उठा पाता हूँ, जिसके कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि मेरे क्लासेज होते हैं, मैं हाई स्कूल में भी हूँ, जिसके कारण वहाँ भी क्लास देना होता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं प्राइवेट टीचर हूँ, तो इसीलिए मैं प्रणाम करके मैं माफ़ी चाहूँगा सभी भाई बहन से। अगर कॉल नहीं उठावे तो हो सकता है मैं कॉल बैक कर दूँ, और ना उठाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा क्लास होता है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको पूछना नहीं पड़े, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा आपको भी कि वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और एक मैं मोटिवेशन बात करना चाहूँगा आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि सबका सुनिए, लेकिन अपने दिमाग का सोचिए, सुनना सबका है। और नियमावली पहले आने दीजिए, तब आप सोचिएगा। अभी क्या बोलता है कि सीटेट में 75 वाले को होगा कि नहीं, SC ST में, या OBC महिला को 82 पे है कि नहीं, तो लोग भटका रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, मैं जो सूचना दूंगा वो नियमावली के आधार पर मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं इतना ही आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, आप चलते हैं वीडियो पे। आज के जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक, 7वां चरण शिक्षक बहाली 2022, जिसमें आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 महीना का समय है, ठीक है। 25 जुलाई को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा कि किस जिला में कितना सीट है, किस नियोजन में कितना सीट है, आपको पता लग जाएगा। यानी 1 महीना आपके पास है, ये जितना भी हम बताए हैं 1 से लेके 14 या 15 16 जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइएगा, और जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो नहीं है वहाँ काटिएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं वीडियो पे। सबसे आवश्यक दस्तावेज में मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, कॉमन चीज़, आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, आधार कार्ड, और बिहार का मूल निवासी है तो यहाँ का वोटर आईडी, यानी पहचान पत्र उसको बोलते हैं, ये तो होना चाहिए। और तीसरा, लेटेस्ट 15 फ़ोटो बना लीजिएगा, 15 से 20 फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि इस बार ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, तो आपको ईमेल आईडी ऐसा रखिएगा जो आपके पास हमेशा हो, चालू हो, ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिएगा। और 5वां, वैसा मोबाइल नंबर, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो उस पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये तो आवश्यक डॉक्यूमेंट तो है ही है, मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको होना चाहिए, बाद बाकी आप चलते हैं स्टार्टिंग से। ये तो हो गया सिंपल डॉक्यूमेंट जो सभी को होना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज में ये तो कंपलसरी है। अब चलते हैं एकेडमिक में आपके पास क्या होना चाहिए, यानी पढ़ाई जो किए हैं, जिसके आधार पे आपका जॉब होगा, तो सरकार का ये कहा गया, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट देखिए आप, पहला मैट्रिक, यानी टेंथ, जो टेंथ किए होंगे जिस किसी बोर्ड से आपने किया, बिहार बोर्ड, SSC CBSE, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी किए हैं, तो उसका अंक पत्र चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्कशीट ओरिजिनल, और उसी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैट्रिक का अंक पत्र, और दूसरा मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र कहने का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र चाहिए, और उसी इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। अंक पत्र हो गया मार्कशीट, और प्रमाण पत्र हो गया सर्टिफिकेट, ओरिजिनल चाहिए। अगर नहीं ओरिजिनल, कभी कभी नहीं होता, तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। अब चलते हैं 5वां, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, चूँकि ये मैं आपको बता दूँ एक चीज़, जब कोई टीचर 1 to 5 में, 1 to 5 के लिए जब शिक्षक बनेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए मैट्रिक, एम मतलब मैट्रिक प्लस इंटर और प्लस प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में जो भी हो, बीएड किए हो या DLED किए हो, जो हो, ये 3 डॉक्यूमेंट ही चाहिए आपको। बाद बाकी आवासीय जाति आए जो लगे वो बाद की बात है,
लेकिन वही मैंने लिखा नियुक्ति स्नातक स्तर पर। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी चाहते हैं 6-8 का शिक्षक बने स्नातक स्तर पर, तो उसको मैट्रिक और इंटर का नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मैट्रिक इंटर का नहीं, उसको चाहिए स्नातक वाला, स्नातक वाला चाहिए। स्नातक का अंक पत्र चाहिए और स्नातक का प्रमाण पत्र। अंक पत्र कहने का मतलब जान लीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये तो हो गया 1-5। और 6-8 के जो शिक्षक होते हैं, 6-8 में जो शिक्षक बनेंगे तो उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण जो हो, DLED या BED जो हो, इसी का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने उसी के लिए लिखा नियुक्ति स्नातक स्तर पर अगर होगा तो ये चाहिए, समझ गए आप। 1-5 वाला ये नहीं पूछेंगे सर BA का मेरे पास नहीं है, नहीं, स्नातक स्तर पर जो भी है उसको स्नातक का चाहिए। 1-5 में जाएंगे तो बस आपको मैट्रिक और इंटर का चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं न्यू पॉइंट। ये तो सभी को चाहिए, बिना प्रशिक्षण किए हुए तो आप, यानी BED और DLED कोई नहीं किए हैं, कुछ प्रश्न आते हैं कमेंट के माध्यम से और यहाँ तक कि फ़ोन कॉल के माध्यम से, सर हम BA पास हो गए, इंटर पास हो गए, सर शिक्षक में भर सकते हैं क्या? तो मैं बता दूँ, बिना प्रशिक्षण और CTET या BTET नहीं पास किए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और CTET से पहले आपको प्रशिक्षण होना चाहिए, आपको पता है तो अच्छी बात है। कुछ कॉल आते हैं उनको मैं बता दूँ, तो प्रशिक्षण जो भी किए हो, BED या DLED, उसका अंक पत्र चाहिए, मार्कशीट, और साथ में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ प्रोविजनल से भी चलेगा, कॉलेज में जाइएगा बता देगा आपको। और सातवां है, आपको CTET किए हों या BTET किए हों, उसका अंक पत्र चाहिए, मार्कशीट, और साथ में सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, जैसे आपको बता दूँ, जैसे SC ST वाले हैं, मान लीजिए SC ST वाले हैं, जैसे OBC SC ST वाले हैं, तो SC ST वाले को बिहार में CTET में 75 पे पास माना गया है, लेकिन यही चीज़ केंद्र में क्या है, CTET में आप फेल हैं। कहाँ पे? सेंट्रल में, केंद्र में। ये तो बिहार सरकार का आरक्षण दिया गया जिस पे आप पास माने गए 75 पे SC ST वाले को। उसी प्रकार OBC महिला है, सॉरी जनरल महिला है फीमेल, उसको बिहार में 82 पे ही पास माना गया CTET में, लेकिन सेंट्रल में तो 90 पे पास है आप। तो वैसे अभ्यर्थी का अंक पत्र है, अगर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए बोल रहे हैं, SC ST, जनरल, महिला, फीमेल, जो भी है, तो उनको अंक पत्र से भी काम चल जाएगा। मैंने क्या बोला? अंक पत्र से भी काम चल जाएगा, बस आपको जाति दिखाना होगा, बिहार का जाति और मूल निवासी ये होना चाहिए। समझिए बात को, मैंने क्या बोला है, ठीक है। इसके लिए अब चलते हैं अगला, जाति आवासीय आय। अब देख लीजिए कौन सी जाति से आते हैं कौन सा नहीं। पहले तो ये जान लीजिए, आवासीय पर चलते हैं। आवासीय मैंने क्या लिखा, अनरिजर्व्ड हो, इसमें जनरल, EWS जो भी हो, OBC में दोनों, EBC या BC2, SC ST कोई हो, उन सभी को, यानी कहने का मतलब ये हुआ बिहार के सभी अभ्यर्थी को जो मूल निवासी है उसको आवासीय चाहिए, आवासीय सबको बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं जाति प्रमाण पत्र पे। तो जाति में जो जनरल में EWS में आते हैं उसको तो लगेगा, क्या लगेगा? जाति प्रमाण पत्र EWS वाले को, और साथ में OBC, तो OBC में दोनों को, EBC और BC2 दोनों को लगेगा, और SC ST को लगेगा ही, समझ में आ गया, जनरल वाले को नहीं लगेगा। अब चलते हैं आय प्रमाण पत्र पे। आय प्रमाण पत्र में EWS वाले को आय प्रमाण पत्र लगेगा, OBC में दोनों को, BC1 और BC2 यानी EBC और BC2 उसको भी लगेगा, SC ST को भी लगेगा। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी यानी पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई दिव्यांग है यानी PH से आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को CTET में मात्र 75 नंबर होना चाहिए। बिहार राज्य में जो जॉब होगा CTET का, सॉरी शिक्षक का, तो 75 पे ही पास माने जाएंगे। एक अभ्यर्थी का अभी भी कॉल आया था, अभी जस्ट आधा घंटा पहले। तो अगर दिव्यांग है तो आपको 75 पे पास माना जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका प्रमाण पत्र बना लीजिए, EWS वाले जो भी है तो प्रमाण पत्र बना लेंगे, ठीक है। और NCL कौन बनाएंगे? जो OBC में आते हैं, अदर OBC में जो आते हैं, या OBC में कहिए EBC वाले हो या BC2, दोनों तो इसी के अंदर में आते हैं ना, तो OBC NCL आपको बनाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ जो NCL में आते हैं,
ठीक है, यानी पहले ओबीसी एनसीएल अप्लाई करने के लिए आपको आवासीय जातीय आय तीनों बना होना चाहिए, तब आप एनसीएल बना सकते हैं। वैसे हम एनसीएल सीएल क्या होता है उस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है सर आवासीय जातीय आय ये किस लेवल का बनाएंगे, तो मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको, जिनको पता अच्छी बात है। आप तीन लेवल, सीओ लेवल या एसडीओ लेवल या डीएम लेवल। सीओ लेवल का मतलब हुआ ब्लॉक लेवल, हिंदी में बोलते हैं, एसडीओ का अनुमंडल लेवल और डीएम का जिला। ये तीनों लेवल में से कोई भी लेवल का आप आवासीय जातीय आय बनवा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलिएगा सर मैं ब्लॉक का बनवा लिया हूँ, या कोई बोलेगा अनुमंडल का बनवा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अनुमंडल का अगर बनाए हैं तो सभी आवासीय जातीय आय सब अनुमंडल का बना लीजिए। अगर आप ब्लॉक स्तर पर बनवाए हैं सीओ लेवल, अगर कोई ब्लॉक लेवल पर बनवाए हैं तो देखिएगा सर्टिफिकेट में आपका साइन होगा नीचे में रेवेन्यू ऑफिसर का, रेवेन्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लॉक का बनाए हैं तो आवासीय जातीय आय सब ब्लॉक का बनाइए। अगर जिला लेवल पर बनाए हैं तो सभी डॉक्यूमेंट जिला लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सर कि ओबीसी एनसीएल क्या कहाँ वाला बनाएंगे, बिहार वाला या भारत सरकार वाला, तो मैं फिर से बता दूँ, जो भी ओबीसी में आते हैं अगर वो एनसीएल बना रहे हैं तो वो बनाएंगे, आप कैफे में जाना उनको बोलना बिहार सरकार का बना देने के लिए, वहाँ लिखा होता है बिहार प्रयोजनार्थ, ऐसे लिखा होता है, आप बोलिएगा बिहार सरकार का बना दीजिए ओबीसी एनसीएल, मात्र ओबीसी वाला बनाएंगे, एससी एसटी वाले को एनसीएल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का यही दस्तावेज पे वीडियो था, उम्मीद है कि आप लोग पसंद किए होंगे। मुझे इस पे वीडियो शायद नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ आवश्यक दस्तावेज पे, मेरा प्लेलिस्ट है बिहार शिक्षक भर्ती करके 2022 का, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। लेकिन फिर भी हमको मजबूरी में आज आना पड़ा क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है। और आवासीय जातीय आय अगर जानना हो कैसे क्या बनता है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, हम भी आपके लिए ऐसे ही जो भी वीडियो होगा जो आपको दिक्कत ना करें मैं आपको सूचना के माध्यम से देते रहूँगा, ठीक है। और साथ में ये बता दूँ शैक्षणिक योग्यता क्या होती है 1 to 5 के या 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए, मैं सभी पे वीडियो डाला हूँ, जाके देखिए प्लीज़। चलिए आज का इतना ही, और जहाँ भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए विदाउट टेंशन, और भगवान पे बिलीव कीजिए सब कुछ अच्छा होगा, निगेटिव मत सोचना, ठीक है। जीवन में कभी कभी संघर्ष का समय भी आता है, तो संघर्ष के बाद जब कुछ आप प्राप्ति करते हैं तो अच्छा होता है, तब खुशी मिलता है, ठीक है। चलिए आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।